अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ वी टेक प्रोजेक्ट्स। तो जी आज की इस वीडियो में मैं जो फॉर सेल मॉडिफाइड कार लेके आया हूँ वो है जी बहुत ज़बरदस्त मॉडिफाइड, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं फुल स्टैंड कार मॉडिफाइड है। और ये जो होंडा सिविक ईके है, इससे पहले भी एक जो वीडियो है वो सिविक ईके की ही आ चुकी है, तो अब ये भी सिविक ईके ही है। तो ये है जी 1996 मॉडल, ब्लैक कलर में फुल स्टैंड मॉडिफाइड, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं। इसका जो बम्पर है वगैरह ये आफ्टर मार्केट लगाए गए हैं, रिम्स वगैरह इसके अंदर जो हैं फुल चेंज कर दिए गए हैं। गाड़ी जो है वो इस टाइम फुल लो है, डाउन टू अर्थ है और बहुत ज़्यादा स्टैंड कार है। तो आप गाड़ी की फ्रंट लुक देख लें, तो फ्रंट लुक जो है गाड़ी फुल लो है, यानी कि फ्रंट और बैक से दोनों से ही नेगेटिव कैम्बर करके गाड़ी को जो है फुल लो किया गया है। हेडलाइट जो है वो इसकी स्मोक हेडलाइट्स हैं, जो कि बहुत अच्छी गाड़ी को लुक दे रही है। बम्पर जो है इसका उसमें लिप इंस्टॉल है और एक्सटेंडेड बम्पर है, जिससे गाड़ी जो है और ज़्यादा लो लग रही है, कि जिससे फील हो रहा है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा लो है। तो इसी के साथ गाड़ी के आपको फेंडर्स वगैरह और आगे से हेडलाइट्स में आपको दिखा दूँ इंडिकेटर्स, कि आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। गाड़ी जो है वो रिसेंटली शावर्ड है फॉर फ्रेश लुक, क्योंकि 1996 मॉडल है, इतना पुराना मॉडल है तो इतनी पुरानी गाड़ियाँ तो ज़ाहिर सी बात है पेंट होती ही हैं। गाड़ी का जो है ओरिजिनल ब्लैक कलर है और गाड़ी जो है ब्लैक कलर में ही अपने मॉडिफाई की गई है, स्टार्स में मॉडिफाइड की गई है। ये इसका फेंडर देख सकते हैं कि कहीं से भी रंग जो है इसका फेड नहीं है, पुडिनलेस वर्क किया गया है और पेंट जो है वो भी अच्छी क्वालिटी का करवाया गया है, जो कि लाइफ टाइम है और जो है वो ज़्यादा पायदार पेंट है। इस तस्वीर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि गाड़ी को जो है बहुत ज़्यादा केयर से रखा गया है, जैसे को तस्वीरें देख के ही पता लग रहा है कि गाड़ी को बहुत ज़्यादा केयर से रखा गया। तो इस गाड़ी के लिए बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ की जाती हैं, टायर क्लीनर, पॉलिश, वैक्स, गाड़ी को बकायदगी से किया जाता है और गाड़ी जो है वो वॉश वगैरह हर टाइम होती है और किसी भी टाइम गाड़ी गंदी नहीं होती। तो अब इसी के साथ आ जाएं जी बैक पे। तो जी बैक पर जो है गाड़ी की फ्रंट से शुरू करते हैं टेल लाइट्स से। जो टेल लाइट्स हैं वो 96 मॉडल ईके की अपनी ओरिजिनल है, जो कि बिल्कुल न्यू कंडीशन में आफ्टर मार्केट है, चेंज हुई है लेकिन इसकी अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है। पीछे का जो होंडा का लोगो है वो आफ्टर मार्केट लगाया गया है। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि गाड़ी कितनी ज़्यादा लो है और इसका जो है एग्जॉस्ट साइलेंसर सिस्टम उसको जो है किया गया है स्ट्रेट पाइप, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी साउंड है, बहुत ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है गाड़ी के लिहाज से। गाड़ी के पीछे के रिम और गाड़ी के जो फेंडर हैं उनके साथ आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी फिटमेंट है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा लो है, गाड़ी भी स्टिफ है, जिसकी वजह से इसके फेंडर वगैरह बच जाते हैं वरना डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि गाड़ी जितनी ज़्यादा लो है उस हिसाब से गाड़ी को जो है स्टिफ भी रखना पड़ता है कि वो ज़्यादा बाउंसी ना हो। तो इसी के साथ गाड़ी की जो है जी मिरर्स वो फुली टिंट किए गए हैं,
और 100% टिंट है, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर से कुछ नज़र नहीं आता। विजिबिलिटी बाहर से अंदर की तरफ बिल्कुल भी ज़ीरो है, जबकि अंदर से बाहर की तरफ विजिबिलिटी है, जो कि आप देख सकते हैं कि अंदर वो तो इतनी तो होती है कि अंदर से बाहर नज़र आए। तो जैसा कि एक्सटीरियर दिखाया और गाड़ी के स्टैंड के बारे में बात की, तो मैं गाड़ी का इंटीरियर भी दिखा दूँ आपको। इंटीरियर जो है वो इसका ओरिजिनल कंडीशन में बोल्ट टू बोल्ट जेनुइन है। इसकी जो अपनी सीट्स हैं वो लेदर पोशिश में नहीं है, लेकिन वो जो पोशिश है इसकी न्यूली करवाई गई है। इसका जो स्टीयरिंग है वो इसका अपना ओरिजिनल है, और गाड़ी जो है वो मैनुअल है, और गाड़ी के अंदर इंटीरियर है इंजन के साथ वो सब ओरिजिनल है। इसके अंदर वीटेक इंजन इंस्टॉल्ड है गाड़ी का अपना, 1996 होंडा सिविक ईके का।